हे गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं दोस्तों आरपीएफ की न्यू अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। आप सबके साथ फुल डिटेल्स के साथ बात करने वाले हैं दोस्तों। इस वीडियो में आप सबके साथ सारा कुछ शेयर करने वाले हैं कि आपकी सिलेबस आरपीएफ की सिलेबस क्या होती है। इसमें दोस्तों इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होती है, सारा कुछ दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो भी नए कैंडिडेट हैं हमारे इस चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, आपके हर तरह की नोटिफिकेशन दोस्तों मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों सारा कुछ हम इन्फॉर्मेशन बता देते हैं और इसकी वैकेंसी भी कब आएगी, सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो इसमें एज लिमिट रहती है दोस्तों 18 से 25 साल। जो भी कैंडिडेट हैं आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहते हैं। और दोस्तों इसमें देख सकते हैं एसटी एससी 5 साल के लिए छूट दी जाती है और ओबीसी को 3 साल, और दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट दी जाती है। और दोस्तों चलिए फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। पुरुष के लिए 1600 मीटर की रनिंग आपको 5:45 में करनी होगी और महिला के लिए दोस्तों 1600 मीटर की रनिंग आपको दोस्तों 8 मिनट में कवर करनी होगी। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बताया हुआ है हाइट के बारे में दोस्तों। हाइट देखिए पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला के लिए दोस्तों 157 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। और एसटी कैंडिडेट दोस्तों आप देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो श्रेणी यानी चेस्ट के बारे में बात किया गया है दोस्तों, पुरुषों के लिए जो 80 मिनिमम होनी चाहिए और दोस्तों एक्सपेंडेबल करने के 5 सेंटीमीटर यानी कि आपको एक्सपेंड करना होगा। और एसटी कैटेगरी के लिए 77-82 करनी होगी। अब दोस्तों इसकी सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें मुख्य 3 सब्जेक्ट ही होती है जिसमें दोस्तों आपकी मैथ होती है और दोस्तों जीके एंड जीएस होती है दोस्तों। मैथ में बात करें तो इसमें 35 क्वेश्चन होती है और दोस्तों रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन होती है और दोस्तों जीके जीएस में 50 क्वेश्चन होती है दोस्तों। ये टोटल यानी कि एक बात करें दोस्तों तो 120 क्वेश्चन हो जाती है और दोस्तों 120 क्वेश्चन की आपको एग्जाम देनी होती है। अब दोस्तों फाइनल बात कर लेते हैं कि इसकी वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो दोस्तों बात करें तो अप्रैल 2023 से पहले ही दोस्तों इसकी वैकेंसी आ जाएगी दोस्तों। 2022 में इसकी तो वैकेंसी आने की नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं दोस्तों। बात करें तो इसकी वैकेंसी 2023 में ही आने वाली है और 2023 में दोस्तों अप्रैल से पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और दोस्तों बात करें तो इसमें पोस्ट लगभग दोस्तों 10,000 प्लस रहने वाली है। जो भी दोस्तों आरपीएफ की सपना देखे हैं आप अपनी तैयारी में जुड़ जाइए दोस्तों, बहुत जल्द ही इसकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।